यस, विधानसभा की टीम ने ही वहाँ पे दिया था प्रोग्राम, वहाँ पे मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, अपने जाट समाज को भी मैंने वहाँ बिठाया, पर वहाँ पे हाजी जी पहुँचे ही नहीं, उन्होंने अपने भाई को भेज दिया और वो सीधे रोड से सीधे निकल के बैठा चले गए हमारे घर के। कुछ नहीं हो रही है, आपसे प्रोग्राम नहीं दिया जा रहा, ना ही दिया किसी भी तरीके की सूचना हमें नहीं दी जा रही, ना ही हमारे से ली जा रही है, ना ही दी जा रही है। विजय सम्राट के बसपा कार्यकर्ता ने एक साथ बोल दिया, क्या नाम है? स्वागत है मेरे अनिर्शाद के साथ और आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत लाइव। जैसे कि आपको पता है चुनावी माहौल है, सरगर्मियां कहीं ऊपर कहीं नीचे, वही मैं आपको बता दूं, कोई कुछ लोग बसपा से कुछ लोग बसपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं तो कुछ लोग अपने अपने पदों को ठोकर मार के बसपा से बाहर जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज मेरे साथ मौजूद हैं सम्राट भाई हैं, किस पद पे हैं सम्राट भाई? जिला सचिव के पद पे हूँ सर। और मेरे साथ आपका नाम क्या है? अक्षय मलिक। सम्राट जी, आज आप पार्टी छोड़ने का बात करते हैं, तो किस तरह, क्यों, आप क्या वजह है जो आप बहुजन समाज पार्टी छोड़ रहे हैं? पहले तो सभी को जय भीम, और पार्टी छोड़ने के तो अनेकों कारण हैं। मैं अभी जिला प्रभारी सचिव के पद पर हूँ, उससे पहले मैं विधानसभा अध्यक्ष रहा हूँ जी आशीर्वाद से। आपने पहले तो मैं सबूत देखा दूँ कि मैं पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष रहा हूँ, तो मैंने जो काम किया है वो लोग जानते हैं, दोनों की जनता जानती है, और एक एक कार्य का बूथ का जानता है मेरे को। और पार्टी छोड़ने का कारण, मुख्य कारण ये है, जो पार्टी के आला अधिकारी है, पदाधिकारी है, उन्होंने मेरा क्या, मेरे साथ में मेरे साथ जो बूथ के सेक्टर के कार्यकर्ता है सभी के साथ मौजूद को सारी किया, और उन्हीं लोगों के कारण जैसा उन लोगों ने बताओ कार्यकर्ताओं के साथ क्या है, वो बहुत शर्मनाक है, निंदनीय है। हम जैसे तैसे करके पार्टी में अगर समाज के लोगों को जोड़ते हैं। मेरे साथ अक्षय मलिक जाट समाज से हैं, चौधरी चरण सिंह नागर जी गुजर समाज से हैं। हम जैसे तैसे करके इन लोगों को पार्टी की विचारधारा में जोड़ा, इन लोगों को हमने, और इन लोगों के साथ पार्टी के जो आला अधिकारी हैं, जैसे कि वर्तमान में जिलाध्यक्ष हैं नरेंद्र जाटव जी, मंडल सेक्टर प्रभारी प्रदीप जाटव जी हैं, उन लोगों ने इतना बुरा व्यवहार लोगों के साथ किया है कि सब लोग मेरे साथ पार्टी छोड़ने को मजबूर हुए हैं। और आप लोग देख रहे हैं मेरे समर्थक मेरे साथ में हैं, हमारे नगर अध्यक्ष वर्तमान में अक्षय मलिक जी, बताइए क्या कारण रहा है? मेरे साहब किस तरह से शोषण किया गया आपको? देखिए पूरा चुनाव निकल गया है, ना ही मेरे पास किसी आदेशदारी की या पार्टी का आला कमान की किसी भी कोई छोड़ नहीं आई है। मेरे पास प्रत्याशी के किसी भी प्रोग्राम का कोई मैसेज कोई कॉल तक नहीं आया है, क्योंकि प्रत्याशी ने पर्चा भी भरा है और टिकट भी लिया है, सब कुछ हुआ है, पर मेरे पास किसी भी तरीके की कोई सूचना तक नहीं दी गई, तो मुझे एक दरकिनार करके चुनाव लड़ा जा रहा है। तो नगर की बहुत बड़ी भूमिका होती है चुनाव में, आपको मैं बता दूं धोनी नगर पालिका बहुत बड़ी है, 55 वार्ड है, और पूरे के पूरे को दरकिनार करके लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आपके विधानसभा अध्यक्ष को लगातार प्रत्याशी के साथ देखी जा रही, विधानसभा अध्यक्ष देखे जा रहे हैं, आपने देखा होगा कि नगर में से किसी भी कोई भी कमेटी को इनको इन्होंने नहीं बुलाया है। क्या विधानसभा की टीम नगर को नहीं, जो विधानसभा की टीम नगर को कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही है, वो बात ही नहीं करना चाह रहे हैं, कर नहीं रही, कोई सूचना नहीं है, कोई सूचना ही उन्हें किसी भी चीज़ में बूझ नहीं हो रही, उनकी उनकी तवज्जो नहीं दी जा रही, उन्हें कहीं भी बूझा नहीं जा रहा। अभी हमारे बागरण गांव में हाजी जी का 2 बार दौरा हो चुका है, लेकिन दोनों बार के दौरे में मैं अपनी बताता हूँ, ना तो हमें सूचना है, ना ही हमारे गुजर समाज में कहीं को भी मतलब उन्हें निकाला गया हो या ऐसे दौरा करा गया हो, क्योंकि एक ही समाज से कभी भी इलेक्शन नहीं जीता जाता, इलेक्शन जीता जाता सर्व समाज से। अच्छा, बात करिए आपने गुजर समाज की, तो गुजर समाज के खुला खुला बोल दिया था कि हम तो अपने कैंडिडेट के साथ गुजर के साथ, देखो नंदकिशोर गुजर के साथ या मदन भैया के साथ, अदरवाइज कैंडिडेट अगर जो कोई आता है, जैसे कि अभी मैं बसपा की बात करूं, बसपा का जो कैंडिडेट है अगर जो वो अदरवाइज समाज को तवज्जा देगा, वो देगा, उनके आला अधिकारी देंगे, उनसे संपर्क में रहेंगे, तो ऐसा नहीं है कि जुड़ते नहीं है, जुड़ने का काम हर कोई आदमी करता है, लेकिन ये कटने का काम क्यों होता है, क्योंकि इस भावना को इस धारणा को धर के अपने मन में, अब वो तो नंदू के साथ में जुड़ गए या मदन के साथ में जुड़ गए, ऐसा नहीं है। मानते हैं कि चंद लोग
उनके साथ में जुड़ सकते हैं तो चंद लोग इनके साथ में भी तो जुड़ सकते हैं, लेकिन कोई जोड़ने वाला तो हो, जोड़ने की बजाय यहाँ तो तोड़ने वाले, जोड़ने का काम कम, तोड़ने का काम ज्यादा करा जा रहा है। तो लगभग सम्राट जी कितने कितने समर्थकों के साथ आप पार्टी? देखो हम कोविड गाइडलाइन का जो पालन कर रहे हैं, इसलिए सब लोग कैमरे के सामने यहाँ से, सैकड़ों समर्थक हमारे साथ हैं। और जो मेन कारण मैं आपको बताता हूँ पार्टी छोड़ने का, अभी सेक्टर प्रभारी अरुण त्यागी मुखिया जी दो दिन पहले पार्टी छोड़कर गिर गए हैं, वो कारण वही रहा है कि माननीय प्रदीप जाटव जी ने उनके साथ बदसलूकी से पेश आए। और कल जो बहन जी का कार्यक्रम रहा है, 30 लोगों की लिस्ट बनाई गई थी उस कार्यक्रम में जाने की, हम लोगों का ना नगर अध्यक्ष का उसमें नाम था, ना मेरा नाम था, और बहुत सारे ऐसे जिम्मेदार साथी छूट चुके हैं जिनका नाम जो वहाँ तक रहे जी की सभा में नहीं पहुँच पाए। तो बहुत सारे कारण पार्टी छोड़ने के रहे हैं, अनगिनत कारण है। और मैं तो ये मीडिया के सामने ये कहना चाहता हूँ कि मुझको प्रदीप जाटव और जिलाध्यक्ष माननीय वीरेंद्र जाटव जी से जान का भी खतरा है, क्योंकि मैं उनको उनसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे मैं यूपी गवर्नमेंट से भी अपनी सुरक्षा की बात लगाता हूँ। इसी के साथ मैं आप लोगों को जय भीम। तो ये तो थे बसपा के समर्थक जो आज बसपा छोड़ेंगे, और बाकी देखते हैं कि इनको मनाने इनके जिलाध्यक्ष आते हैं नहीं आते हैं। आप देखते रहें स्वतंत्र भारत लाइव।